बुलंदशहर सहारनपुर में राजनाथ भरेंगे चुनावी हुंकार। सीएम योगी की मुजफ्फरनगर में जनसभा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी माहौल गर्म है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। पीएम मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी दलित सम्मेलन करेंगे। इसके अलावा गोरखपुर, अयोध्या और प्रयागराज पर नजर रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार दोपहर 12:30 बजे बुलंदशहर के जहांगीराबाद में जनसभा करेंगे। इसके अलावा वह सहारनपुर के बेहट में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। वह बुधवार को संभल में भी रहेंगे। वह भाजपा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सहारनपुर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रात्रि प्रवास करेंगे। मुजफ्फरनगर में बुधवार दोपहर जयंत चौधरी दलित सम्मेलन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के सरधना विधानसभा क्षेत्र में ठाकुर चौबीसी के रधना गांव में दोपहर 2:40 पर आएंगे। वह जवाहर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर बिजली भी पैदा करेगी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत। वंदे भारत के इंजन में लगे हेड ऑन जनरेशन HOG व रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से ट्रेन में ब्रेक लगने पर स्वतः बिजली तैयार होती रहेगी। 3 फेज वाले WAP 7 क्षमता वाले इंजनों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के चलते ब्रेक लगने के दौरान जितनी बिजली खर्च होती है, इंजन की गति पकड़ने पर उससे दोगुना तैयार हो जाती है। अयोध्या और लखनऊ की रास्ते गोरखपुर से प्रयागराज के बीच चल रही वंदे भारत आने वाले दिनों में कई ट्रेनों पर चलने की तैयारी है। अयोध्या राम नाम से कट रही विपन्नता की बेड़ियां। राम मंदिर में सिर्फ रामलला के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि राम नाम से विपन्नता की बेड़ियां भी कट रही हैं। छोटे छोटे व्यापार से लोगों की विपन्नता दूर हो रही है। भगवान राम का चित्र, प्रतीक, मंदिर की अनुकृति आदि बिक्री से लोग प्रतिदिन हजारों रुपए कमा रहे हैं। अयोध्या ही नहीं, आसपास के जिलों के आर्थिक रूप से कमजोर लोग यहां व्यापार कर रहे हैं। कुछ तो स्ट्रीट फूड के कारोबार से जुड़े हैं तो कुछ ई रिक्शा चलाकर धन कमा रहे हैं। प्रयागराज 23 माह बाद जारी होगा TET प्राइमरी का अंक पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UP TET 2021 की प्राइमरी का अंक पत्र उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकरण PNP हाई कोर्ट के आदेश पर अगले सप्ताह जारी करेगा। इसमें BED प्रशिक्षित भी शामिल हुए थे। BED प्रशिक्षितों के विरोध में DL-ED अभ्यर्थियों की याचिका पर हाई कोर्ट ने मई 2022 में अंक पत्र वितरण पर रोक लगा दी थी। PNP ने यह परीक्षा जनवरी 2022 में कराई थी और 8 अप्रैल को परीक्षा फल घोषित किया था। इसमें सम्मिलित जूनियर TET के अभ्यर्थियों को अंक पत्र दिया जा चुका है।